जैसे आप देख सकते हैं हम फाइनल पहुंचे जे जे की तरफ। आप देख सकते हैं कितना क्राउडेड है और अच्छी तरह से शायद गेट बंद हो चुका है तो जुलूस उस वजह से यहाँ पर रुक चुका है। हाँ क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है। चलो फिर मिलते आगे। You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हो YouTube family? तो आज का vlog है। चलिए आज जुम्मा का दिन है, इंशाल्लाह हम जुम्मा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे और हम निकलेंगे इंशाल्लाह आज, क्योंकि जश्न ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत बड़ी रात तो हो गई। इंशाल्लाह जुलूस निकलने वाला है रात को, तो इंशाल्लाह डायरेक्ट हम रात को भी निकलेंगे और आपके सामने जितना होगा आपके सामने फुल शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल मिलते जुम्मा की नमाज़ के बाद गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो जुम्मा की नमाज़ अदा हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जाएंगे इंशाल्लाह घर। और ऐसे भी आज जुम्मा का दिन भी है और जश्न ईद मिलाद उन नबी का प्रोग्राम भी है, तो इंशाल्लाह आप अभी तो देख सकते हैं इतना कुछ पता नहीं चल रहा है जो भी होगा शाम को। वैसे भी यहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा, वो पीछे साइड पर जो मीनारा मस्जिद है ना जो हमारे पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं जो डेकोरेट अच्छा किया हुआ है वहाँ से जुलूस निकलने वाला है। तो इंशाल्लाह डायरेक्ट फिर घर जाता हूँ, इंशाल्लाह खाना खाता हूँ, फिर शाम को डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह गाइस। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फाइनली मैं सुबह हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सुबह शाम को एक्चुअली मैं भी मैं थोड़ा सो के उठ गया हूँ और अभी मैं निकल रहा हूँ एक्चुअली हाजी अली, थोड़ा चलो वहाँ की सलामी भी दे देंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि कल जो चिराग रोशन हुआ था उसको भी जरिया दाखिल करेंगे, थोड़ा फिर डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह हाजी अली के पास। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो हम फाइनली पहुँच चुके हैं एंटेलिया के पास, जो मुकेश अंबानी का बहुत सबसे बड़ा क्या बोला तूने। और अभी यहाँ से सीधा हमारे एग्जैक्ट सामने, अभी हम यहाँ से निकलेंगे हाजी अली, वहाँ पर इंशाल्लाह सलात और सलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ करेगा आप लोग के लिए भी कि हमारे को जितना हो सके तुम सपोर्ट करो, और फिर डायरेक्ट इंशाल्लाह वहाँ से अपना जो भी दरिया दाखिल करना है चिराग रोशन जो जलाता है उसको दरिया दाखिल करेंगे, फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे। फिर वहाँ मेरे बच्चे लोग को ले गए और डायरेक्ट फिर निकलेंगे इंशाल्लाह जुलूस में। तो वीडियो को बने रहना गाइस। जैसे कि आप देख सकते हम फाइनली पहुँच चुके हैं हाजी अली, और यहाँ का क्राउडेड देखो खाली गाइस। आज एक्चुअली क्या वैकेशन का भी टाइम है ना, और इसके लिए पब्लिक आज ज़्यादा आई है, और अभी एक्चुअली मगरिब का भी टाइम होने वाला है वो हिसाब से। तो फिर चलो डायरेक्ट जाते हैं अंदर, सलामी करेंगे इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एग्जैक्टली अभी यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और एग्जैक्टली हमारे सामने न्यू गेट अभी बन चुका है, एक जगह से एग्जैक्ट एक जगह से एंट्री है। तो चलो इंशाल्लाह अंदर जाएंगे, फिर जो भी होगा आपके सामने शेयर करेंगे। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम चलते जा रहे हैं, तो बोलने दो नहीं आपको बोलने दो, ये कुछ बोलना चाहते जरा बताइए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो हमारी दुनिया की वजह से टिकी हुई है। जैसे कि देख सकते हो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जब हमारे जाइए इंशाल्लाह, आपके लिए भी दुआ करेंगे। और जैसे कि देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जो ब्रिज बन रहा है शायद यहाँ से वन डे सीलिंग शायद टच होगा, चलो कुछ नहीं। अभी यहाँ और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ आपको पत्थरें दिख रहे हैं ना, क्योंकि अभी ये तो भर्ती का टाइम हुआ नहीं वो हिसाब से। तो चलो फिर डायरेक्ट जाते हैं इंशाल्लाह, दुआ करेंगे मगरिब का भी टाइम होगा इंशाल्लाह, नमाज वमाज पढ़ के फिर निकलेंगे हम हमारे घर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे एग्जैक्ट पीछे, ये देखो दरगाह है माशाल्लाह हाजी अली, और अभी ये मेरे पास एक्चुअली चिराग रोशन है तो इसको मैं दरिया में ठंडा करने के लिए जा रहा हूँ। और आप पत्थर भी देखो माशाल्लाह, बहुत संभाल संभाल के चलो, क्योंकि ज़रा भी पेड़ से हुआ पूरा ना खास्ता कुछ नहीं हो जाए। चलो जो भी है हम चलते रह रहे, बस कुछ थोड़ी सी देर है जो पहुँचने में हमने समुंदर के पास पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। देखो हमारे सामने एग्जैक्ट, थोड़ा भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर मगरिब का टाइम हो जाएगा तो असर का टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि असर की भी नमाज़ पढ़ना हमें। तो चलो अभी
डायरेक्ट चलते जा रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह पत्थर भी देखो कितने बड़े बड़े यहाँ देख सकते हो गाइस। और क्या बोलना चाह रहा था, आप भी आइए इंशाल्लाह, बहुत सुकून मिलता है दरगाह में, संभाल संभाल के चलना पड़ रहा है। ये देखो कितना डेंजर पत्थर है। चलो फिर मैं ऊपर मिलता हूँ, फिर इंशाल्लाह ऊपर चढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस। फाइनली पहुँच गया हूँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन। अरे यार मुझे ऐसा उसे लगा कि पानी नहीं है, फिर भी देखना जाए तो बहुत दूर है पानी। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा नीचे उतर दे फिर जाते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं पहुंच चुका हूँ बड़ी मेहनत करने के बाद। मेहनत क्या, अभी ये देखो देख रहे कैसे स्लिप होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, अभी गिरते गिरते बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एग्जैक्ट ये हमारे ये देखो पीछे हाजी अली की दरगाह, माशाल्लाह आप देख सकते हो गाइस। मगरिब का टाइम होने में समझ लो ना अभी आधे घंटा और है, तो चलो इसको इंशाल्लाह डालते समुंदर में जाके। जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, आपको दिख रहा हूँ ना, ये एक टाइम पे ऐसा हो जाता है जब पानी पूरा फोर्स भर जाता है ना, किनारे जितनी दिख रही बॉर्डर आप देखो ब्लैक ब्लैक सब पूरा संभल लेना फुल हो जाता है, यहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता है। चलो अल्लाह का शुक्र जो भी है इसको बात है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये, अभी जा रहे डायरेक्ट दरगाह में इंशाल्लाह, सलामी करते फिर नमाज़ वमाज़ पढ़ेगा सर की, और मगरिब की नमाज़ घर पे जाके पढ़ेगा इंशाल्लाह, यानी घर की तरफ मस्जिद में जाके पढ़ेगा। चलो फिर गाइस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे गाइस, एक लाइक तो बनता है। और कौन कौन ये दरगाह में आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें गाइस, ताकि हमें भी पता चले कि कितने मुसलमान हिंदू भाई आ चुके हैं ये दरगाह में। ठीक है चलो फिर मिलते गाइस। फाइनली हम पहुँच चुके हैं माशाल्लाह हाजी अली की दरगाह के अंदर, एंट्री हो गई हमारी, और माशाल्लाह आप देख सकते हो हमारे सामने में भी न्यू कंटेंट रेडी हो चुका है, और ये दरगाह का काम चालू है माशाल्लाह। चलो फिर हम लोग जाते हैं इंशाल्लाह दरगाह के अंदर। शायद मेरे ख्याल से एंट्री नहीं है, क्योंकि पब्लिक देखो मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि पब्लिक अंदर कोई अंदर अलाउ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली रिपेयरिंग का काम चालू है ना, वो हिसाब से पब्लिक देखो दूर दूर से अपने फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह उतार रही है, और हम भी खड़े हैं हमारी लाइन में। चलो हम भी जाते हैं इंशाल्लाह। देखो चलो गाइस फातिहा का क्या करेंगे इंशाल्लाह, फिर निकलते रहे घर के, बहुत लेट हो गया ऐसे, तो बच्चे लोग को भी लेना है, क्योंकि अभी जश्न मिलाद उन नबी का प्रोग्राम चालू होने वाला है। चलो फिर दुआ करते हैं फिर निकलते रहे। चुका है सोचे तो यहीं पे मगरिब पढ़ना है, बट क्या बोले अभी फहीम भाई बोले वहाँ तो पढ़ेगी अपने इधर हिसाब से, और अभी हम लोग जा रहे हमारे घर, वहीं पे नमाज मगरिब अदा करेंगे, फिर इंशाल्लाह बच्चे लोग को लेंगे, और इंशाल्लाह फुल धमाल होने वाला है, ये भी व्लॉग एक नंबर होने वाला है गाइस। तो प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि हाजी अली कौन कौन है। फाइनली हम निकल चुके हैं हमारी सवारी लेके, हमारे शेर लोग को भी तैयार कर दिए, और ये जो है हमारे फहीम भाई भी रेडी हो गए बच्चे लोग को लेके, और माशाल्लाह क्लाइमेट भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश का मौसम भी आ गया। अरे सेल्फी क्या, वो तो हादसा होते होते बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार, सरकार की बारगाह में हम निकले तो यार हमारे साथ थोड़ी कुछ गलत होने वाला है। चलो जो भी होना था हो गया अनहोनी, बट अभी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ गाइज, और बारिश भी इतनी ज़ोरदार, मतलब अभी स्लो है, अभी खुदा ना खस्ता ज़ोरदार हो जाए, बच्चे बीमार नहीं हो जाए, वो हिसाब से लोग एक छोटा मोटा राउंड खिलाएंगे फिर निकलेंगे डायरेक्ट हम हमारे अकेले। ये गाड़ी चला जाएंगे बेटा, ये गाड़ी बंद करके चलाओ भाई, नहीं तो चलो ठीक है फिर। तो फिर चलो गाइज डायरेक्ट मिलते हैं इंशाल्लाह, व्यूज की जो भी है सामने आपको सामने जरूर शेयर करना है, तो वीडियो में बने रहना गाइज। जैसे कि आप देख सकते हो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक चुकी है, और हमारे एक छोटे
बच्चे को घर पे छोड़ दिए क्योंकि क्या है बारिश की वजह से शायद कहीं बीमार नहीं हो जावे, तो इसके लिए मैं खाली मेरी बच्ची को लिया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस चालू हो चुका है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करते हैं गाइस। क्या सुन रही है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे फुल धमाल चालू है। तो हम खड़े हैं और हमारे सामने मुंबई पुलिस है जो अल्हम्दुलिल्लाह को सलूट देना चाहिए। बोलो मत, उनके बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता है। क्या बोलते हैं, ये है तो भाई मुंबई का हर चीज़ सही है। क्या आप देख सकते हैं अभी फाइनली पहुंचे हम बोरी मोड़ने के साइड। यहाँ देख सकते हैं क्राउड है अभी, क्या मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जे की तरफ आप देख सकते हो कितना क्राउडेड है और अच्छी वजह से शायद गेट बंद हो चुका है तो जुलूस उस वजह से यहाँ पे रुक चुका है। माशाल्लाह क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है। चलो फिर मिलते आगे। Thank you.
अरे अरे पीछे पीछे भाई पीछे भाई पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूर दादू शरिया का साफा माशाल्लाह जो से इन्होंने कादरी भाई थोड़ा पीछे आ जा भाई चलते रहा लाया कि नहीं आए यूट्यूब पे देखने ना भाई अपने भाई देख सकते हो गाइस हमारे फहीम भाई ने बहुत सारी मियाँ जमा की है Sucker for base test contains three audio features. Base frequency sweep for 300 Hz. Parking maro aajkal. चलो गाइस बहुत एक्चुअली ब्लॉग बहुत बड़ा बन चुका है अभी हम लोग एक्चुअली देखते हैं घर जाएंगे इंशाल्लाह वहीं एंड करेंगे ब्लॉग को क्योंकि यहाँ पे आवाज़ आने वाली नहीं है तो इसी को जो है बुलाए अकीदत पेश करें उनको शान से नवाजे नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद दिलदार की आमद एक नारा है दुनिया गवाही भजा जाए
आता मुस्कुराते मुस्कुराते इनके पैर पर जाएगा। चलो फिर खाते फिर इंशाल्लाह देख सकते हैं कि आप हमारे सामने हमारा उठा रहा चुका है हमारे भाई कौन खाएगा खाएंगे ना जाएगा हमारे भाई है पूरा फिनिश करें। चार से एक पराठा वाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था जश्न ईद मिलादुन्नबी का और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन थे मदीना मक्के के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनी होगी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो जो नए देखने वाले हैं। और ये देखो मेरे बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं आपको स्टैंड अप खड़े होकर बोला आप बोलो क्या बोलना चाहते हैं क्या अच्छा लगा आपको बोलो क्या क्या मजलिस मजलिस ही तो जश्न ईद मिलाद उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये भी था खाजा रही नवाज। चलो जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बहुत मज़ा आ गया बहुत अच्छा था और न्याज भी इतनी सारी मिली अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या बोलो। चलो जो भी होता है अल्लाह का शुक्र है। और चलो अभी और हमें और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जैसे कि यूट्यूबर के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं खान सुशांत नीता वो भी हमें मिले हैं पर हमसे फ़ोटो वगैरह शूट नहीं किए क्योंकि वो थोड़े दूर थे और हम थोड़े बहुत दूर थे हम नज़दीक नहीं थे मतलब जो भी है वो हमें मिले नहीं। अब चलो जो भी हम वीडियो में आपको जरूर शामिल शेयर किए और प्लीज़ इन लोग की वजह से हमें भी एक सपोर्ट कर दिए गाइस। चलो फिर चैनल पर नए तो लाइक करो सब्सक्राइब करो बेल आइकन को जरूर दबाओ मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। अल्लाह हाफिज़।